तो दोस्तों अभी एक कॉमन नॉलेज बन चुका है कि पैसा बचाना पैसे कमाने के बराबर है। कैसे? आजकल के हालात में जहां महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी है, पेंडेमिक के कारण और प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस में पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करना एक अलग बात नहीं, एक ज़रूरी बात हो चुकी है। अब स्मार्ट पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट तो है ही, लेकिन उसके अलावा म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जो कि आपको ठीक ठाक लेवल पर रिटर्न कंसिस्टेंटली दे सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, और उसमें से कुछ तरीके हैं जो आपको नुकसान देते हैं लगातार और अच्छे खासे रिटर्न को एक तरह से ईट अप कर जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्मार्ट तरीके भी हैं जिसके थ्रू आपका ओवरऑल रिटर्न बेस कैपिटल के ऊपर बहुत बढ़िया हो सकता है। इस वीडियो में बात करेंगे उसी तरह के प्लान के बारे में और देखेंगे कि क्या कोई प्लेटफॉर्म है भारत में जो आपको ये करने में मदद कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं। पहला है रेगुलर इन्वेस्टमेंट, दूसरा है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब क्या है? इसको मतलब समझने के लिए आपको कुछ बातें जानना जरूरी है। किसी भी म्यूचुअल फंड को इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पार्टीज इन्वॉल्व रहती हैं। पहले आप हैं, इन्वेस्टर के रूप में सामने आते हैं। दूसरा AMC, एसेट मैनेजमेंट कंपनी या फंड हाउस रहता है, जो बीच में एक ब्रोकर के रूप में काम करता है। और तीसरा पार्टी खुद डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि फंड को लेकर आता है मार्केट में। अब ऑब्वियसली कुछ ना कुछ लेवल पे कुछ ना कुछ सबको चाहिए। आपको रिटर्न चाहिए, बीच में जो कमीशन चाहता है ब्रोकर उसको अपना रेवेन्यू चाहिए, और तीसरे को अपना प्रॉफिट चाहिए जो फंड डिस्ट्रीब्यूटर खुद है। और जहां तक रेगुलर इन्वेस्टमेंट की बात है, वहां पे कमीशन आपको देना पड़ता है, वो कमीशन आपके प्रॉफिट में से काटा जाता है। डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट रहता है म्यूचुअल फंड में, उसमें ये पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहती, और जो एक्स्ट्रा कमीशन दिया जा रहा था वो आपकी पॉकेट में जाता है। तो इन अ सेंस आपका ओवरऑल रिटर्न एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है मॉनेटरी लेवल पे ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जो क्यूमुलेटिव होता रहता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि एक पार्टी चली गई है पूरी सप्लाई चेन में से, और वो पार्टी का जो प्रॉफिट था वो आपकी जेब में गया, जो कि आपका ही था ऑलरेडी इनफैक्ट। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड अच्छा खासा रिटर्न भी देता है इन्वेस्टमेंट्स में एज कम्पेयर टू रेगुलर, क्योंकि उसकी एक्सपेंस रेशियो कम है। अब एक्सपेंस रेशियो क्या है? एक्सपेंस रेशियो इज बेसिकली एक एनुअल फी होता है जो डिडक्ट किया जाता है सारे फंड हाउसेज द्वारा। उसमें कुछ पार्ट्स होते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट के, जिसमें कमीशन फीस है, बुक कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग है, टैक्सेस हैं, उसके अलावा लीगल एक्सपेंसेस एंड अकाउंटिंग है, ये सब चीज़ें जाती हैं। और ये सब चीज़ें का खर्चा कमीशन जो है वो भी कट जाता है और आपकी जेब में जाता है इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। तो एक तरीके से आप समझिए कि ओवरऑल लेवल पे आपका प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ता है। इसको अगर एक एग्जांपल के रूप में से समझना चाहें तो बेहतर रहेगा। लेट्स डू दैट। तो मान लीजिए दो दोस्त हैं, ध्रुव और रजनीश। अब ये दोनों म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं और एक ही म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन ध्रुव चूज करता है कि वो रेगुलर प्लान के थ्रू जाएगा, और वहीं पे रजनीश का चॉइस है कि वो डायरेक्ट ट्राई करना चाहता है। अब रेगुलर फंड जो है वो ग्रो करता है, क्यूमुलेटिव एनुअल ग्रोथ रेट देखा जाए अगर तो करीब 9% के साथ, और वहीं पे अगर डायरेक्ट फंड की बात की जाए तो वो 10.5% रिटर्न देता है। अगर हम 30 साल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हम 30 साल के बाद देखेंगे तो वो 50,000 की इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने शुरुआत में लगाए थे, हर साल लगाते रहे हैं सिप के थ्रू, वो करीब 75 लाख की हो जाती है फॉर ध्रुव। और अगर रजनीश की बात करें जो कि डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा है, तो उसका 1.5% कमीशन एक्स्ट्रा जो उसकी जेब में गया प्रॉफिट के रूप में, तो उसका ओवरऑल जो रिटर्न बना वो करीब 1 करोड़ का बना। तो यहीं पे आप देखिए कि करीब 1/4 अराउंड 25% रिटर्न ज़्यादा मिला यहाँ पे रजनीश को एज कम्पेयर टू ध्रुव, क्योंकि उसने डायरेक्ट पैसा लगाया था, रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान का चूज़ नहीं किया। तो यहीं पे अगर हम जनरल बात भी करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में, यही होता है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाता है ओवर पीरियड ऑफ टाइम। एक तरफ बना है करीब 75 लाख एक इन्वेस्टर के लिए, और दूसरे इन्वेस्टर ने 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का रिटर्न पाया। तो एक तरीके से अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस आ जाता है रिटर्न पे अगर हम डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करते हैं तो। अब अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इतने ही अच्छे हैं तो ज़्यादातर लोग क्यों नहीं करते हैं? देखिए, इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, शायद लोगों को पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, और दूसरा, इसमें आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करना पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको इन दोनों प्रॉब्लम से दूर रख सके? तो फायर, जो कि एक डिस्काउंट ब्रोकर है, एक प्लेटफॉर्म लेके आया है जिसका नाम है फायर्स डायरेक्ट, जिसकी मदद से आप म्यूचुअल फंड्स में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और यहाँ पे जो कमीशन जा रहा था रेगुलर फंड्स में वो नहीं जाएगा।
अब ये वर्क कैसे करता है, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? पहली बात तो ये है कि आपको ऐसे म्यूचुअल फंड्स रेकमेंड नहीं किए जाएंगे जो कि आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं लॉन्ग टर्म पे, आपको अच्छे रिटर्न्स प्रोवाइड करेंगे इस तरह के मिलेंगे, क्योंकि ये मिडल मैन नहीं है, इनका कोई रेवेन्यू सोर्स नहीं है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से। तो वहाँ पे आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना भी इजी है, फायर्स डायरेक्ट इनका एप्लीकेशन का नाम है, ऑनलाइन है सारा कुछ, आपको बाय वहीं पे करना है, रिटर्न एक्सपेक्टेशन वहीं पे बताई जाएंगी और डायरेक्टली आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक तरह से मॉनिटर कर सकते हैं। अब जल्दी से देखते हैं प्लेटफॉर्म में जाके कि हाउ डज इट वर्क एक्चुअली फॉर यू, ताकि अगर आप इनको ट्राई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके सामने फायर्स डायरेक्ट का लॉगिन स्क्रीन आ जाएगा। यहाँ पे फायर्स आईडी पासवर्ड डालना है, पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ में से किसी एक वैल्यू को आप इंसर्ट करेंगे, सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फायर्स डायरेक्ट का होम पेज आ जाएगा। अभी डेमो में हम आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट के जरिए समझाएंगे कि किस तरीके से आपको फायर्स डायरेक्ट का इस्तेमाल करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद करीब 50 AMCs आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी, आप उनको रिटर्न्स और अलग अलग लेवल पे जैसे टाइप्स हैं, सेक्टर्स हैं, उनके बेस पे फिल्टर आउट कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं। इस लिस्ट में से आप अपना इन्वेस्टमेंट टाइप चूज कर सकते हैं कि आपको लमसम इन्वेस्ट करना है या सिप लगाना है, ट्रांजेक्शन अमाउंट डाल सकते हैं और अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अपने डैशबोर्ड पे आप उन सक्सेसफुल ऑर्डर्स को डिटेल्स के साथ देख सकते हैं, परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं रेगुलर टाइम पे, और ये आपको करनी भी चाहिए ताकि आपको हमेशा आइडिया रहे कि जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने की हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रही हैं और आगे अगर आप उनको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से फायर्स डायरेक्ट बेसिक लेवल पे काम करता है। तो दोस्तों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के इस डेमो में बस इतना ही। फायर्स के बारे में आपको बताया कि फायर्स डायरेक्ट किस तरीके से आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में एक तरह की हेल्प करता है, आप भी ट्राई आउट कीजिए, अगर आपको ठीक लगे तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो अपना फीडबैक आप कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि बाकी लोगों की मदद हो सके। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और एट द सेम टाइम अर डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।